माया के वो पुजारी क्या आगे की भी खबर है, इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है। माया के वो पुजारी क्या आगे की भी खबर है, और इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी। ध्यान रखिएगा, जिस घर को हम अपना बोल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, हमने श्री धाम वृंदावन में एक बहुत सुंदर प्लॉट ले लिया है, रजिस्ट्री करवा दी है, बहुत बड़ा आश्रम बना लिया है, घर बना लिया है, कोठी बना ली है, मकान बना लिया है, गाड़ियां ले आए हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, बड़े खुश होते हैं, श्री धाम वृंदावन में हमारा घर है। मेरे भाई, चाहे तुम्हारा घर बंबई में हो, बेंगलोर में हो, कलकत्ते में हो, पटियाला में हो, अमृतसर में हो, कहीं भी क्यों ना हो, वो तुम्हारा घर नहीं है। तो किसका घर है आप कहोगे? वो इस शरीर का घर है। उसमें तुम थोड़ी रहते हो, वो तो शरीर रहता है उसमें, तुम उसमें नहीं रहते हो। हाँ, ये जो पंच तत्वों का जो शरीर बना हुआ है, ये तुमने किराए पे ले रखा है। ध्यान रखना, आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। और शरीर कहाँ रहता है? इस पत्थर ईंट पत्थर के बने हुए मकान में शरीर रहता है। तो तुम्हारे किराए का मकान हुआ क्या? ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, ये तुम्हारे किराए का मकान हुआ। और इस पंच तत्वों से बने हुए घर का घर हुआ ये ईंट पत्थरों से बना हुआ घर। पर इतना ध्यान रखना, तुम्हारा असली घर कौन सा है? बोले, आपका असली घर है उस परमात्मा के चरणारविंद। माया के ओ पुजारी क्या आगे की भी खबर है, और इस घर से भी बढ़कर तेरा दूसरा भी घर है, दूसरा भी घर है। संत कहते हैं, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जब घर का मालिक तुझको निकाले। किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जब घर का मालिक तुझे को निकाले। क्या संभाल रहा है इस किराए के घर को, जब इस घर का मालिक तुझे निकालेगा तो तुझे निकलना पड़ेगा। इसलिए अपने मन को पहले ही समझा करके रख। क्या? रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, किराए का क्वार्टर खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, किराए का क्वार्टर खाली करना पड़ेगा, किराए का क्वार्टर करे।